नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं को सशक्त करने में, खासकर लड़कियों को, छात्राओं को और मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं और ऐसे में खासकर महिलाओं के लिए बिहार में तमाम तरह की योजनाएं आती हैं। अगर आप भी बिहार में इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं और छात्रा हैं तो आपके लिए ये बड़ी अपडेट है। बताएं तो इंटरमीडिएट छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पैसा दिया जाएगा, 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा आपको जिससे आपके खाते में 25,000 रुपया बिहार सरकार द्वारा आ जाएगा, आइए आपको पूरा डिटेल बताते हैं। बिहार सरकार ने अविवाहित छात्राओं को इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, प्रजनन दर में कमी लाना और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। बता दें कि ये योजना साल 2021 से चली आ रही है। ये योजना के तहत साल 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली सभी अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 268 करोड़ रुपये जारी किए हैं और इस साल 400 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इस योजना से छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें अपने सपनों का पूरा करने में मदद मिलेगा। इसके अलावे इस योजना से छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावे ये योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह पर अंकुश लगाने में भी मदद करेगी। बता दें कि इस योजना के तहत बिहार राज्य के 1,60,000 पास आउट छात्राओं को लाभ मिलेगा और उन्हें अपने भविष्य को सवारने में भी आर्थिक रूप से काफी मदद मिलेगी। प्रजनन दर घटाने और आत्मनिर्भर बनाने का मेन उद्देश्य है। बताते चले कि अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जब इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की आर्थिक मदद दी जाएगी तो इससे उन्हें भविष्य के लिए मजबूत बनने में भी मदद मिलेगी। वहीं इस तरह से उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही बाल विवाह पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी, जिससे प्रजनन दर में कमी आएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। इससे छात्राओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने भविष्य को सुधारने में सक्षम होंगी। तो देखिए, बिहार में खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ाने में और छात्राओं को आगे बढ़ाने में काफी अग्रसर रहते हैं और ऐसे में एक नई योजना, आपको बताएं तो ये योजना अभी की नहीं बल्कि साल 2021 से चली आ रही है। इंटरमीडिएट पास छात्राओं और खासकर अविवाहित छात्राओं को पैसे देने की जो योजना है वो अब तक चली आ रही है, यानी 25,000 रुपये इंटरमीडिएट पास छात्राओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार देने वाले हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।